हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं उठा हूँ, सुबह के 8 बज चुके हैं। मेरे टेंट पे मैं, बहुत ज़्यादा ठंड है यार, बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा। मेरे दोस्त बार बार बोल रहे हैं मेरे को, बाहर आ जा। मैं बोलता हूँ आ रहा हूँ एक मिनट में। और ये देखो मेरा टेंट है, आज यहाँ से जाएंगे, कोई होटल रूम देखेंगे। टेंट ठीक है, एक रात के लिए ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग नहीं है टेंट, तो इसलिए होटल ही देखेंगे। ये देखिए आप, उन पहाड़ों पे बर्फ गिर चुकी है थोड़ी थोड़ी, और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। ये हमारा कैंप, ये देखिए कुत्ता हमारे पास आके बैठ चुका है, कुछ खाने के लिए मांग रहा। ले ले, खा ले। नहीं खा रहा है कुछ, बिस्कुट के लिए बैठा है। ये बिस्कुट है, बिस्कुट उसमें गाड़ी में पड़े हैं। और ये गए देखो, खाने लग रहा है। और हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी यहाँ से। ये देखिए हमारे साथ चल रहा है, चल 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 के। अरे निकलने दे हमको भी। और हम चल पड़े ट्रैकिंग के लिए। ये देखिए कहाँ से ट्रैकिंग चल रही है हमारी। ये देखिए कितना ऊपर जा रहे हम ऐसे। बिस्किट लाना था, इसके लिए लाए नहीं। गाइस इतने ऊपर कैंप बना रखा है पहाड़ों के ऊपर, देखिए रोड तो और आ गया नीचे, और चढ़ ही रहे हम। गाइस देखिए कितना ऊपर आ चुके हम, और ये टेंट से यहाँ पे, ये देखिए नमी बुद्धों से खेल रहा है। और देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर है यहाँ की वैलियाँ। उधर देखिए सूरज की सीधी किरणें उसके ऊपर पड़ रही हैं पहाड़ी के ऊपर। ये देखिए देखिए गाइस कितना सुंदर है। ये ले दोस्त, तेरे लिए बिस्किट लाया हूँ। और ये नवीन बिस्किट खिलाएगा अभी बुजो को। अरे कुछ नहीं करेगा, खाएगा नहीं, ये खा रहा है। इतने मत डाला कर, खाने लग रहा है हमारा फ्रेंड। हेलो
ये देखिए गाइस हम पहुंच चुके हैं, दोस्त चलेंगे वो है वहाँ पे मणिकरण गुरुद्वारा साहिब। और अभी हम गुरुद्वारा जाएंगे, उसके बाद आगे देखेंगे तोस जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो तो अभी कंफर्म नहीं है। और गाइस हमने होटल ले लिया यहाँ पे, यहाँ के मणिकरण के बस स्टैंड पे होटल लिया है। वो हमसे मांग रहे थे 1800 रुपये, बट हमने थोड़ा सा बार्गेनिंग करी। नवीन हमारा बार्गेनिंग एक्सपर्ट है, ये आजोड़ लेता है भाई साहब थोड़े कम कर लो, तो हमारा उन्होंने कर दिया नवीन की तरफ देख के, हाँ भाई गरीब बंदा है तो 1200 रुपये कर दिया। तो हमको रूम मिल चुका है, ये हमारा रूम देखिए, गरीब आदमी का रूम, ये देखिए रूम, ये है हमारा रूम और ये है बाथरूम हमारा, ये देखिए। तो फाइनली हमको रूम मिल चुका है, टेंट तो बहुत ज़्यादा ठंडे थे, अब हम आराम से आराम करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर जाएंगे बाबा मणिकरण गुरुद्वारा के पास, देख के आएंगे क्या कुछ है वहाँ पे। और गाइस हम रेडी हो चुके हैं और ये पीछे हमारा होटल, ये देखिए। और अभी हम निकलेंगे मणिकरण साहिब के लिए, और ये पीछे का व्यू है, यहाँ से निकलेंगे, ये यहाँ का बस स्टैंड है और यहीं पर हमने होटल ले रखा है, ये देखिए। गाइस हम निकल चुके हैं यहाँ से, एक शॉर्टकट रास्ता है मणिकरण विलेज का, और चल रहे हैं हम ये यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं साइड्स में, ये ब्रिज है यहाँ का, ये मणिकरण विलेज में जाता है। देखिए आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी, कितनी सूदिंग आवाज़ है, ये देखिए, ये पार्वती रिवर है, ये पार्वती रिवर है, यहाँ से ये रास्ता ये मणिकरण विलेज में जाता है, वहाँ से भी मणिकरण बड़ा तो जाएगा, तो आज करते हैं। मिनी मार्केट है मणिकरण की, कितनी सुंदर मार्केट है यहाँ की। मेरे पास माइक नहीं है इसलिए थोड़ी सी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं आई वीडियो में। और ये देखिए यहाँ से आप गरम ड्रेसेस वगैरह टोपी वगैरह, ये यहाँ के ट्रेडिशनल कैप्स हैं। और ये अंकल यहाँ पे चाय बना रहे हैं, यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं आपको, और ये इस लड़की बहुत जल्दी है, पता नहीं कौन है ये, मेरे कंधा मार के गई है। यहाँ से मिल सकता है माइक, यह माइक मिल जाएगा फोन से अटैच करने के लिए, माइक कहीं पे नहीं मिल रहा मेरे को यहाँ पे, इनसे पूछते हैं। चलिए हेलो भैया, माइक मिल जाएगा फोन की अटैच करने के लिए, नहीं मिल रहा है यहाँ पे भी। और नवीन आगे चलते हैं, भाभी जी भी, आज भाभी जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाभी जी, आज भाभी का बर्थडे मनाएंगे हम, देखते हैं नवीन आज क्या करेंगे। ये पता नहीं है, मेरे को तो अजीब सा लग रहा है। और भाभी जी को मफलर लेना है, यहाँ पे हम मफलर ले रहे हैं, ये भैया हम हिमालयन
सिला जी आपसे यहाँ से आप ले सकते हैं, मफलर ले सकते हैं और 100 रुपये का मफलर दे रहे हैं भैया हमको 10 रुपये में, सस्ता बहुत सस्ता मिल रहा है हमको यहाँ पे। कौन सा ये ये भैया ने सेल लगा रखी है यहाँ पे 50 रुपये में आइटम मिल रहा कोई भी, ये देखिए आप आपको 50 रुपये की आइटम मिल जाएगी कोई भी। नवीन गांव अखरोट लेने हैं तो इसके पापा जी बोल रहे थे यहाँ पे सस्ते मिलते तो हम पूछेंगे कि कैसे क्या है। अखरोट मिलेगा आपको 400 रुपये किलो का, 200 रुपये किलो में 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 400 रुपये, 3 रेट बताए अंकल ने तो देखते हैं वो नवीन डिसाइड करेंगे इनको लेना है नहीं लेना। शिव मंदिर यहाँ पे, उसका एंट्री है और देखिए यहाँ से ही नीचे से नेचुरली गर्म पानी निकल रहा है, इतना ज़्यादा गर्म पानी है यहाँ से हम चावल भी उगा सकते हैं। और अभी हम यहीं पे खाना खाएंगे।